तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर वन। हिस्ट्री का है ये, एंशंट वर्ल्ड। एक्चुअली तो SST का ही है बट हिस्ट्री भी। हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं। गो टू द मार्केट और टू द रेलवे स्टेशन, सिट इन योर होम और स्टैंड ऑन द रोड एंड लुक अराउंड यू। यू विल फाइंड मैनी थिंग्स वेयर मेटल इज बींग यूज। दिस मेटल कुड बी कॉपर, ब्रोंज, आयरन और एनी अदर मे बी स्टील। स्टील इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ आयरन ओनली। डिस्कवरी ऑफ मेटल्स ब्रॉट प्रोफाउंड एंड ड्रामेटिक चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। यू हैव रेड अबाउट द प्री हिस्ट्री इन द इंट्रोडक्टरी लेसन। यू हैव लर्न दैट ड्यूरिंग द स्टोन एज ह्यूमन लर्न टू मेक टूल्स एंड वेपन्स ऑफ स्टोन, बोन एंड वुड। दे लिव्ड इन केव्स एंड फाउंड फूड बाय हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। Later, they learned about agriculture, domestication of animals, and led a settled life. The Stone Age was followed by the Metal Age, Bronze Age, and Iron Age. It was with the discovery of metal that human civilization became highly evolved. During the Bronze Age, advanced civilization came up in Mesopotamia, China, Egypt, and India. We will learn about these civilizations in some detail in this lesson. We will also read about the Iron Age civilization in Greece, Rome and Persia as well as India. तो अब हम पढ़ते हैं जो इसमें देखते हैं कि हम या तो मार्केट जाएं या रेलवे स्टेशन जाएं या घर पे ही बैठे हैं या फिर रोड पे यूँ ही चलने निकले और अगर हम हमारे आसपास देखें तो हमको हर जगह कुछ ना कोई ना कोई चीज़ मेटल की बनी हुई पता चलेगी। अब हमारे घर पे जैसे कि अगर हम बैठे भी हैं तो हमारे पास हमारे सामने पतीला होता है और अलग अलग तरह की चीज़ें होती है जैसे कि पूजा के सामान भी होते हैं और ऐसी अलग अलग चीज़ें होती है या फिर जैसे अलमारियाँ भी स्टील और इन सब की बनी होती है। तो ऐसे जो अलग अलग चीज़ें हैं वो बनी मेटल से ही बनी होती है। तो हम जहाँ भी जाते हैं हमको मेटल्स दिखाई देते हैं और ये मेटल्स कुछ भी जैसे ही बताए कुछ भी हो सकते हैं, कॉपर हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है, जिनकी तांबा और वो तांबा और लोहा एट्सेट्रा एट्सेट्रा स्टील ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये जो स्टील होता है वो आयरन का ही एक मतलब प्योरिफाइड फॉर्म होता है, एक साफ मतलब उस स्टील को मतलब बहुत सारी रिफाइन करके बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा देर तक टिके। इसलिए स्टील के बर्तनों को हम जितना भी धोए उसमें जंग नहीं लगता और आयरन में फटाफट जंग लगता है। तो इसे स्टील उसका रिफाइंड फॉर्म है इसलिए मतलब आयरन का ही रिफाइंड फॉर्म है। और ये जो डिस्कवरी ऑफ मेटल मतलब जो मेटल्स को खोजा गया था एक्चुअली हाँ मतलब खोजा ही गया था तो उसमें इसके बाद जो है ना दुनिया में एक अलग सा चेंज आया और लोगों के लाइफ में एक बड़ा सा चेंज आया। और इसमें पता है कि हमने जैसे कि पहला वाला चैप्टर पढ़ा जो चैप्टर जीरो था एक्चुअली, तो हमने जब उसको पढ़ा तो वो उसने हमको हर चीज़ के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दी। तो हमने उसमें क्या क्या सीखा कि स्टोन एज में जो ह्यूमंस थे वो कैसे अपने जो क्या भाले या फिर अलग अलग जो चीज़ें हैं जिससे वो शिकार करते थे या फिर यूं ही किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ करते थे तो वो सारे टूल्स और वेपन्स वो या तो पत्थर से बनाते थे और हड्डियों से बनाते थे पुरानी या तो वो लकड़ी से बनाते हैं या फिर मतलब ऐसे स्टोन्स बोन्स और लकड़ी से बनाते थे। तो फिर उन्होंने जब मतलब वो केव्स में रहते थे तब गुफाओं में और खाने को भी वो या तो कुछ फल वल इकट्ठा करके खाते थे या फिर शिकार करके खाते थे। फिर उन्होंने जब एग्रीकल्चर सीखी कि खुद का खाना कैसे खुद उगा कर फिर खाते हैं और फिर अपने पशु वशु पालना शुरू किया और फिर इससे क्या हुआ उन्होंने एक जगह पे स्थित रहकर अपना लाइफ गुजारा करने का सोचा। नहीं तो पहले वो घूमते ही रहते थे अपने खाने की खोज में और इस तरह से रहते थे लेकिन फिर उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू किया। तो फिर उसके बाद जो स्टोन एज था वो उसके बाद आया मेटल एज, मेटल एज में पहले आया ब्रॉन्ज एज, उसके बाद आया आयरन एज। फिर जब ये कैसे हुआ कि जब उन्होंने मेटल्स को खोजा उन्होंने तो वो एक बहुत बड़ा चेंज आ गया ह्यूमंस में और वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए। फिर जब ये ब्रॉन्ज एज आया तो ये इसने क्या मतलब इन सब को और की जो सभ्यता है उसको और बढ़ा दिया किन किन जगहों की, मेसोपोटामिया, चाइना, इजिप्ट और इंडिया के। फिर हम इसके बाद में और भी पढ़ेंगे इस लेसन में आगे एकदम डिटेल से और हम इसमें और भी पढ़ेंगे कि आयरन एज में यानी लोहा की जब सभ्यता आई, लोहा यूज़ करना लोगों ने शुरू किया तो ग्रीस में कैसे, रोम में, पर्शिया में और इंडिया में भी कैसे इसकी वजह से उनकी सभ्यता का मतलब विकास हुआ
Isn't it surprising that the use of iron started so long back? We still use iron in some way or the other, don't we? Look around you and you'll find many things made of iron and steel. We all have steel utensils in our home. Steel is a refined form of iron. Further, we will read in detail about ancient India, about the emperors and dynasties that ruled India during that period. You will realize that India's contribution to human civilization is immense. Isn't it interesting and exciting to know about our glorious past? Let us start the journey into our past and learn how we humans have traveled through the ages and evolved into sophisticated, advanced and highly civilized people. तो अब ऐसा वाला कि ये कुछ अलग नहीं लगता आपको कि surprising है, बहुत ही अलग सी बात है कि ये iron जो इतने पुराने से हो रहा है, जो आज भी use होता है, वो पुराने से यूज होना स्टार्ट हो चुका है और हम आज कुछ ना कुछ चीज में आयरन यूज करते ही हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारे जो आसपास जो भी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया पतीले हैं, थालियां हैं, या फिर जो भी यूसेंसल्स है या फिर अलग दूसरे भी चीजें हैं, वो सारी आयरन की बनी हुई हैं। हमको हम उसको नॉर्मली देखते ही हैं। और फिर जब हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं पुराने भारत के बारे में, तो हम देखते हैं कि वहाँ तब के जो राजा महाराजा थे और तब के जो क्या बोलते हैं डायनेस्टीज, मतलब जैसे कि राजा के बेटे का बेटा, वो अगर उस सबको मिला के वो एक डायनेस्टी बनती है, जैसे मौर्य डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है। इन्होंने जब इंडिया को रूल किया होगा, हम पढ़ते हैं डिटेल में जब इंडिया के बारे में, तो हमको पता चलता है इस पीरियड में इन्होंने इंडिया को रूल किया होगा। और हम इसमें पढ़ते हैं कि जो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें विकसित हुई हैं और जो मनुष्य की सभ्यता बढ़ी है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये क्या आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता और बहुत ज़्यादा मतलब उनके मज़ा नहीं आ जाता कि हमारा मतलब जो पास्ट था वो इतना ब्यूटीफुल और क्या बोलते हमें जिस पे गर्व हो, इस टाइप का हमारा पास्ट था। और हम इस जो ये जो जर्नी थी हमारे पास्ट से और अभी भी हम जो ह्यूमन है मतलब हम अब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम पहले से कैसे अभी तक आए वो हम सोचें कि कैसे हम इतने साल में बदले हैं और एकदम आजकल जो हम सोफेस्टिकेटेडली बैठते हैं एकदम अच्छे से और स्टाइल से और इतने एडवांस हो गए हैं हम, सबके पास फोन्स हैं, सबके पास ऑलमोस्ट इंटरनेट कनेक्शंस हैं, तो ये जो इतने सारे जो क्या बोलते हैं हम एडवांस हुए टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, हर चीज़ में, तो वो हमारा कैसा है। और हम इतने ज़्यादा सभ्य लोग जो बन गए हैं, वो हम पुराने टाइम में तो जब सोचते तो हम लोग कुछ भी नीचे से उठा के खाते थे, तो तब से हम अभी तक जो इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, वो कैसे बने हम ये इस पढ़ाई तो क्या एक जर्नी के जैसे कि हम इसमें सीखते जाते हैं। The Bronze Age. Towards the end of New Stone Age began the use of metal. Copper was the first metal used by them. The cultures based on the use of both stone and copper are called Chalcolithic cultures. This is also called Bronze Age because of the invention of bronze in this period, which is an alloy of copper and tin. Gradually, copper and bronze replaced stone, wood and bones to some extent for making weapons and implements. People learned how to make bricks and use them in construction. These bricks were baked and sun-dried. Town-based civilization came up for the first time in different river valleys. These towns became centers of trades, commerce, and administration. The Bronze Age people had built up great civilization and made significant contributions. In this section, we will read about the four major Bronze Age civilizations of the world, that is Mesopotamia, Egypt, India, and China. तो अब हम कहते हैं कि जो नया नया स्टोन एज शुरू हुआ था तब मतलब सॉरी ख़त्म होने वाला था तब मेटल्स का यूज़ होना शुरू हुआ और कॉपर जो था ये सबसे पहला मेटल था जो लोगों ने यूज़ किया और जो कल्चर यानी कि ऑलमोस्ट सभ्यता जैसे ही जिन जिन लोगों ने में ये जो प्रचलित था वो लोग क्या मतलब स्टोन और कॉपर जो लोग यूज़ करते थे उनको चैल्कोलिथिक कल्चर्स बोलते थे और ये सब ऑल्सो मतलब इनको ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है क्योंकि इस टाइम में ब्रॉन्ज का जो इन्वेंशन हुआ था इसी पीरियड में जो कि एक अलॉय है। अलॉय का मतलब होता है कि जो दो या उससे ज़्यादा मेटल्स को यूज़ करके उसको पिघला के फिर मिक्स करके बनता है ताकि वो जो मेटल है वो ज़्यादा देर तक टिके। तो कॉपर इतना नहीं टिकता था तो फिर जब ब्रॉन्ज बनाए तो कुछ उसमें गुण टिन के भी आए, कुछ गुण इसमें कॉपर के भी आए, तो वो ज़्यादा देर तक टिक सकता था।
तो इसीलिए वो ब्रॉन्ज का इन्वेंशन हुआ। और फिर कॉपर को क्या है, ब्रॉन्ज से रिप्ले, और कॉपर और ब्रॉन्ज ने स्टोन, पत्थर और लकड़ी और बोन्स के जो अलग अलग हथियार बनाते थे, या फिर अलग अलग जैसे खुदाई के सामान या ऐसे कुछ भी जो चीज़ें बनाते थे, उसको रिप्लेस कर दिया कॉपर और ब्रॉन्ज ने। फिर लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया कि मतलब ईंटें बनाने शुरू की, तो ईंटें कैसे कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज़ करेंगे वो भी उन्होंने शुरू किया। और ये सिर्फ ईंटें नॉर्मली 2-3 दिन तक ऐसे रखी भी नहीं थी, वो लोग वो सारी बेक्ड दी, मतलब जैसे कि पुराने समय में क्या करते थे, ईंटों पर ईंटें रख देते थे बना बना के, और उसके बाद एक झोंपड़ी जैसे में रख देते थे, फिर उसमें आग लगा देते थे। तो क्या होता था कि वो सारे बेक हो जाती थी अच्छे से, एकदम चिपक जाती थी मिट्टी टू मिट्टी, और फिर उसको रखते थे तो वो ज़्यादा दिन तक रहते थे। आज भी बेक ही बनते हैं ईंटें जो होती है, या फिर उसको सूरज में बहुत दिन तक सुखा के रखते थे। और टाउन जो फिर बनने शुरू हुए, तो और जब टाउन बन के उस टाउन में रहने की सभ्यता शुरू हुई, तो फिर उसमें अलग अलग मतलब एक तरह से वो रिवर के पास यानी कि नदियों के पास रहना पसंद करते थे, और इसी तरह वो वैली बनने शुरू हुए। उसके बाद है कि टाउन, फिर क्या हुए कि लोग यहाँ पे आके अपना सामान बेचना खरीदना वो सब करना चाहते थे, मतलब ट्रेड और कॉमर्स। और फिर वहाँ पे आज का, क्योंकि इतने सारे लोग अगर एक जगह पे आ जाएंगे तो उनको शांत रखना और उनके जो ज़रूरतों को समझना, और कोई किसी के साथ चालाकी करे तो उसमें भी मतलब न्याय मिलना, तो इन सब एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़रूरी पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों मतलब ट्रेड कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मेन जगह बन गई। उसके बाद है कि जो ब्रॉन्ज एज में जो लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ी सभ्यता अपनी बनाई, और धीरे धीरे वो बहुत और इनका ये जैसे ही ये बड़े बनते गए, उन्होंने अब आगे की जो सभ्यता है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और फिर हम इस जो ये जो सेक्शन आएगा इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो ब्रॉन्ज एज की सभ्यता आई थी, तो इसमें पूरी दुनिया में क्या हुआ था, जैसे कि खासकर मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, इंडिया में और चाइना में, इन सब में कैसे ब्रॉन्ज एज का एक रिवॉल्यूशन सा आ गया था वो हम पढ़ेंगे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया वॉज अ लैंड लाइन बिटवीन टू रिवर्स, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, विच लाई इन द मॉडर्न डे इराक। दीज रिवर्स वेर ऑफन इन फ्लड एंड इन द प्रोसेस दे डिपॉजिटेड अ लॉट ऑफ सिल्ट विच मेड द लैंड अराउंड देम वेरी फर्टाइल। दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। द अबंडेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनेबल्ड द ग्रोथ ऑफ अ नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन लाइक स्मिथ्स, पॉटर, मेसन्स, वीवर्स एंड कारपेंटर्स। दे सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स एंड गॉट देयर नेसेसिटीज फ्रॉम अदर इन एक्सचेंज। दे कैरीड ऑन ट्रेड विथ फार ऑफ प्लेसेस लाइक इंडिया। कार्ट्स, वेगन्स, बोट्स एंड शिप्स वेयर यूज टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दे ऑल्सो डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग। देयर स्क्रिप्ट वॉज अ कलेक्शन ऑफ सिम्बल्स विद एंड पिक्चर्स। दे ड्रू एडजेस लाइक लाइन्स एंड सो द स्क्रिप्ट केम टू बी नोन एज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। तो अब हम मेसोपोटामियन की सभ्यता के बारे में जब पढ़ते हैं, तो मेसोपोटामिया एक जगह है जो दो नदियों के बीच रहता है, एक नदी का नाम है टिग्रिस और दूसरी नदी का नाम है यूफ्रेटिस, और ये आज का मतलब आज के टाइम में ये इराक में स्थित है। और ये जो रिवर्स थी दोनों, टिग्रिस और यूफ्रेटिस, ये इसमें ज़्यादातर बाढ़ आती रहती थी। तो बाढ़ आने की वजह से क्या है, अब जो पहाड़ों में जो फर्टाइल सी लैंड होती है वो तो आके नीचे आ जाएगी, तो वो नीचे की लैंड बहुत फर्टाइल हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि मतलब वहाँ पे जो खाने का सामान, जो चीज़ें उगाते थे वहाँ पे लोग, तो वो बढ़ने लगा। अब अच्छा लैंड होगा तो अच्छी फसल भी उगेगी, तो इस तरह जैसे उगेगा तो उनके पास अब हर कोई तो एग्रीकल्चर का काम नहीं करेगा, अब हर कोई तो एग्रीकल्चर का काम करेगा नहीं। तो बाकी लोगों ने क्या किया, जैसे कि वो मटके बनाने शुरू किए और अलग घर जो बनाते थे, या फिर जो कि मतलब मेटल से कोई भी सामान बनाते थे वो उन्होंने शुरू किया, और काट के जो सामान बनाते थे, या फिर काट यानी कि लकड़ी, और जो सिलाई बुनाई करते थे वो सब शुरू किए, क्योंकि हर एक इंसान की नीड्स अलग होती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही सारी चीज़ें बेचनी शुरू की, और बाकी की जो चीज़ें वो वापस पानी भी शुरू की।
फिर उन्होंने चीज़ें बेचनी शुरू की, और फिर मतलब एक्सचेंज करके, जैसे कि बार्टर सिस्टम था पहले, तो वो एक्सचेंज करके खरीदते बेचते रहते थे। फिर उनका जो ये व्यवसाय था वो दूर दूर तक भी लेके गए, जैसे कि इंडिया तक भी, क्योंकि इराक से इंडिया बहुत दूर है, तो फिर भी वो वहाँ से लेके आते थे। तो वो ठेले से जा जा जो जहाँ पे यूज़ हो सकता, जहाँ पे ठेले से, या फिर बस्ते बस्ते डाल के, या फिर बोट्स यूज़ करके, या फिर बड़े बड़े शिप्स यूज़ करके भी, और ट्रांसपोर्ट करते रहते थे और कम्युनिकेशन रखते थे। ट्रांसपोर्ट मतलब कोई चीज़ को ले जाना, और कम्युनिकेशन में मतलब बात बात मैसेजेस एक से दूसरे जगह तक पहुंचना। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने वहाँ पे क्या लिखने की कला सीखी। तो वो तब के जो स्क्रिप्ट होती, स्क्रिप्ट यानी होते जैसे कि हम अ आ ई ऐसा सब सीखते हैं, या फिर ए बी सी डी, तो वैसे वो हमारी जैसे इंग्लिश स्क्रिप्ट है और देवनागरी स्क्रिप्ट है, उसी तरह ये उधर तब की जो स्क्रिप्ट है वो क्यूनेइफॉर्म स्क्रिप्ट थी, और उसमें बहुत सारे सिंबल्स और पिक्चर्स को यूज़ करके और ऐसे आड़ी तिरछी लाइंस बना के वो लिखते थे, और उसका नाम दे दिया, मतलब अभी हम उसको क्यूनेइफॉर्म स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। द अर्लियस्ट सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया वेर लाइक स्मॉल स्टेट्स, ईच विथ इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेशन। द रूलिंग क्लास कंसिस्टेड ऑफ प्रीस्ट्स, किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। बिसाइड्स देम देयर वर मर्चेंट्स, ऑर्डिनरी पीपल एंड द स्लेव्स। द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया वर्शिप्ड मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस लाइक स्काई, सन, मून, फर्टिलिटी एटसेट्रा। ईच सिटी हैड इट्स ओन पैट्रन गॉड एंड गॉडेसेस। अब क्या हुआ, वो जो सिटीज़ थी मेसोपोटामिया की, बहुत छोटे छोटे स्टेट्स की तरह ही थी, और उसमें अपना ही अलग क्या बोलते हैं राजकाज टाइप था। तो जो राज करते थे लोगों पे, वो उसमें किन किन चीज़ों का समावेश था, राजाओं का, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं जो सजेस्ट करते हैं उन सब का, और पुजारियों का, और फिर जो उसके नीचे या फिर उसके अलावा वहाँ पे कौन कौन थे व्यवसाय जो करते थे, यानी मर्चेंट्स और बिजनेस मैन वुमेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और नॉर्मल जो लोग थे जो कोई दूसरा काम भी करते थे वो, और जो लोग स्लेव्स थे, स्लेव्स यानी इन लोगों के घर पे जो काम करते थे, या इन लोगों के जो गुलाम थे वो। और जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो बहुत सारे अलग अलग तरह के देवी देवताओं को मानते थे, जैसे कि सूरज, चांद और आकाश, और वो एक फर्टिलिटी को भी एक देवता की तरह मानते थे। और हर एक सिटी की एक अलग ही अपना अपने ही गॉड्स या गॉडेसेस होते थे। इजिप्टियन सिविलाइजेशन। अनदर सिविलाइजेशन अरोज इन इजिप्ट अलोंग द रिवर नाइल, विच मेड द लैंड वेरी फर्टाइल। द इजिप्टियन किंग्स वेर कॉल्ड फैराओस। दे हैड मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स इन देयर सर्विस दैट एडमिनिस्टर्ड द लैंड एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम देम। द प्रीस्ट एंजॉयड अ वेरी हाई एंड ऑनरेबल पोजिशन इन सोसाइटी। टेम्पल्स वेर डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर गॉड इन ईच टाउन और सिटी। द एंशियंट इजिप्ट स्क्रिप्ट वॉज कॉल्ड Hieroglyphics. Traders and merchants carried on their business both on land and water. There were skilled workers like stone cutters and carpenters. Egyptians had considerable knowledge of weights and measures. The pharaohs built the great monuments of the ancient world, the pyramids. Since the Egyptians believed in afterlife, they preserved the dead bodies. These were called mummies. The pyramids were built as tombs to keep the mummified bodies of the dead kings. अब हम इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये जब बढ़ना शुरू हुआ, ये सारी सभ्यता, ये क्यों बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि जो रिवर नाइल है, जो कि बहुत ही मतलब पॉपुलर रिवर है, बहुत ही फेमस, तो इसने भी जैसे कि वहाँ पे टिग्रिस थी, यूफ्रेटिस थी, तो यहाँ पे नाइल थी, जो कि बहुत ही फर्टाइल होने, उस लैंड के फर्टाइल होने में उसका योगदान था। और वहाँ इजिप्ट के जो राजा थे उनको फेरोस बोला जाता था, और उनके जो मिनिस्टर्स थे और जो नीचे उनके काम करते थे ऑफिसर्स और अलग अलग, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन और राजकाज के काम में उनका हाथ बताते थे, और जो टैक्सेस है वो कलेक्ट करते थे, और जो पुजारी लोग थे वो उनको बहुत सम्मान दिया जाता था। और जैसे कि वह तभी मतलब एक जगह पे गॉड्स को मतलब हर एक जगह के अपने गॉड या गॉडेस थे, तो यहाँ पे भी हर एक सिटी या टाउन के अपने गॉड थे। और जो इजिप्ट के जो लिखावट है उसको हेरोग्लिफिक्स बोला जाता है, जैसे कि वो क्यूनेइफॉर्म स्क्रिप्ट, ये हेरोग्लिफिक्स है।
उसके बाद जो ट्रेडर्स थे और मर्चेंट्स थे वो लोग अपना बिजनेस लैंड में तो करते ही थे, मतलब सिटी में जाके वो पानी में भी अपना सामान ले जाके बोट्स में और बेचना वो सब करते थे। और वो जो अलग अलग जो अच्छे स्किल्ड यानी कि एकदम अच्छे से कार्विंग करके एक सुंदर सा बना देते थे पत्थर से कुछ भी मूर्ति या कोई और चीज़ भी, जैसे कि वुड से बैठने की जगह स्टूल वूल ऐसा कुछ भी बना देते थे। तो वो सभी तब के समय मौजूद थे। और इजिप्ट के पास जो मतलब वेट एंड मेजर्स यानी कि जैसे कि हम केजी और उस सब के मतलब इसके हिसाब से इसको इतना देना चाहिए, उसके हिसाब से इतना देना चाहिए, उन सब की समझ उनको बहुत अच्छी थी। और जो वहाँ के राजा थे फेरोस, उन्होंने बड़े बड़े मतलब क्या बोलते इमारतें और बिल्डिंग्स भी बनाई जो कि पिरामिड्स बोली जाती है, जो कि आज भी बहुत फेमस है। और ये जो क्यों ये ऐसा क्यों बनाया गया था, मतलब उन्होंने क्यों बनाया था, क्योंकि वो मरने के बाद भी जीवन होता है उसमें विश्वास रखते थे। और उन सबको क्या बोला, ममीज बोला जाता था। और ये हमको नॉर्मल लाइफ में भी पता होता है कि उन लोगों को ममीज बोला जाता है और वहाँ पे पिरामिड्स है। और वहाँ पे जो टॉम बियानी एक तरह से मतलब वो जैसे कि क्रिश्चियंस के नहीं बनाते हैं वो प्लस साइन लगा के एक इतना ऊंचा सा ईट वीट, आप समझो मेरी बात हो, तो वो मैं अब डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। तो उसी तरह से ये भी उनको बनने के बाद उनको एक श्रद्धांजलि देने टाइप के उनके लिए मतलब एक घर टाइप का बना के और उसके अंदर मम्मीज को रखा जाता है। और पुराने जो राजा की बॉडीज थी उनको अच्छे से प्लास्टर व्लास्टर लपेट के रखा जाता था। और यहाँ पे हेरोग्लिफिक्स का मतलब वो दिया गया है A to Z, वाह ऐसा तो हम भी लिख सकते हैं, नहीं सही गया। तो इस तरह से वो उनकी स्क्रिप्ट होती थी जैसा कि हमने अभी पढ़ा।